गाइस, क्या आपने कभी भूत देखा है? भूत का बच्चा देखा है? नहीं देखा? आज हम आपको दिखाने वाले हैं, ये है भूत का बच्चा। लेकिन ये कोई भूत का बच्चा नहीं है, ये दोस्तों एक इनाम है जो कि बच्चे खुलवाते हैं। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता था गाइस जब मैं छोटा था। बच्चों को इंटरेस्ट आता है जब मैं छोटा था, उस टाइम पर हम भी चाहते थे कि यार कहीं से 1-2-3 रुपए मिले और उसके हम इनाम खुलवाएं। दुकान पर जाते थे, 2-3-5 रुपए लेके इनाम खुलवाते थे। उसमें किसी में 1-2 रुपए भी निकलते थे, किसी में कोई खिलौना निकलता था, किसी में कुछ और चीज़ निकलती थी। तो आज हमारे पास में यहाँ पर है इनाम के पूरे 10 पैकेट। यहाँ पर देखो 10 पैकेट्स हैं और इनाम का नाम है भूत का बच्चा। और हम जो है इस भूत के बच्चे के अंदर देखने वाले हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है और लास्ट में जो है क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो एक इनाम खुलवाने पर ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता, लेकिन जब इतने सारे खोलेंगे तो पता लगेगा। ये बड़ा वाला पैकेट है, एक पैकेट के अंदर 30 छोटे पैकेट्स है, हर एक पैकेट 5 रुपये का मिलता है। तो अब इन सारों को खोलते हैं, पूरे 300 पैकेट्स को, और देखते हैं कि अंदर क्या इनाम मिलता है, क्या चीज़ें छुपी हुई हैं भूत के बच्चे के अंदर। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए। दोस्तों एक बात इस इनाम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इनाम है इनका नाम कंटिन्यूसली बदलता रहता है। और यार ऐसे खतरनाक ये लोग नाम लेकर के आते हैं कि भाई बस। तो मैं गया इनाम लेने, मुझे मिला ये भूत का बच्चा। देखते सबसे पहले और भी बहुत सारे थे, लेकिन यार इसके ऊपर दिल आ गया, इसका नाम ही ऐसा है भूत का बच्चा। दुकान वाला फ़ोन करके पूछ रहा था अपने गोदाम में कि यार अपने पास भूत के बच्चे हैं क्या, ये हमको जो है 10 भूत के बच्चे चाहिए। हमको हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर हम जो है 10 भूत के बच्चे लेकर के आ गए हैं, बड़े पैकेट्स। अब इनको खोलने की बारी है। तो यहाँ पर इन सभी को जो है रखते हैं साइड में और फर्स्ट पैकेट आपको खोल करके दिखाते हैं। इनको इधर रख दो। तो भाई हाँ एक दे दो। तो गाइज यहाँ पर ये है फर्स्ट पैकेट, इसके अंदर छोटे पैकेट्स होने वाले हैं। यार कुछ फाड़ने के लिए दे दो, नहीं है तो ऐसे चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर है भूत के 30 बच्चे। एक बड़े भूत के बच्चे के अंदर भूत के 30 छोटे बच्चे निकले हैं। ठीक है, ये कितने 10 होंगे शायद, 10 ये हैं और 10 ये हैं। इन्होंने पता इसका डिज़ाइन भी ऐसा बना रखा है, काला काला सा, और देखो क्या बना रखा है, भूत बना रखे है इसके ऊपर। तो फर्स्ट पैकेट खोलना शुरू करते हैं, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या इनाम निकलता है। गाइज इसको खोलने से पहले आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बड़े पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर इन्होंने भूत का बच्चा साफ साफ लिख रखा है, यहाँ पर भूत की फ़ोटोज़ इन्होंने बना रखी हैं 5 रुपीज़ ईच, और दूसरी साइड में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। देखो इन्होंने क्या खतरनाक यहाँ पर डिज़ाइन बना रखा है। छोटे पैकेट की बात करें तो इसके ऊपर भी इन्होंने देखो भूत की फ़ोटोज़ खतरनाक वाली बना रखी हैं। तो अब खोलते हैं सीधा इसको। तो गाइज यहाँ पर पहला भूत का बच्चा खुल चुका है और देखते हैं इसके अंदर क्या है। आपके भी सामने इनाम आने वाली है और अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। देखो इसमें कोई कूपन कोड नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक निकला है खिलौना ऐसा, ये मुझे लगता है वो लट्टू है, ऐसे चलता है ना जो, वो है ये। और एक इसके अंदर निकला है ये, इधर निंजा हथौड़ी बना हुआ है, एक नहीं है दो है ये, एक निंजा हथौड़ी है। ये भी मोटू पतलू है क्या? ये मोटू पतलू है और ये भी मोटू पतलू ही है। 3 इसके अंदर स्टिकर निकले हैं, 1 इसके अंदर टॉफी निकली है, लीची वाली टॉफी निकली है, 3 स्टिकर है, 1 लट्टू वाला खिलौना। एक बार इसको चला कर देखते हैं कि काम करता है या सिर्फ ऐसे बना रखा है। तो भाई ये जो है बचपन में हम लोग चलाते थे, ये इसमें फंस जाता है, इसको ऐसे घुमाना है और इसके अंदर जो है चाबी भर जाएगी। अब यार ये सेट नहीं हो पा रहा मेरे से, मेरे हाथ बड़े हैं, खिलौने का साइज छोटा है। तो गाइज ये जो है आई डोंट नो कि क्यों सेट नहीं हो रहा, हो सकता है इसका ये लॉक खराब हो या फिर मुझे चलाना नहीं आ रहा हो। तो इसको तो रखते हैं साइड में और बाकी भूत के बच्चों को खोलना शुरू करते हैं। यार बहुत सारे हैं, तो दूसरा खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या निकलता है। इसको यहीं से खोल लेते हैं सीधा। अब यार ओ स्टिकर कट गया मेरे से, ओ शिट। तो भाई दूसरे के अंदर अलग खिलौना निकला है और यहाँ पर स्टिकर भी ज़्यादा, 1-2-3 और ये क्या है, ये भी स्टिकर, ये टैटू तो नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 4 स्टिकर निकले हैं देखो इस तरीके के, 1 दूसरी टॉफी निकली है सेम। तो भाई इसके अंदर ये निकली है और ये जो है फिरकी है मेरे हिसाब से, जिसको हम बचपन में ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। इसके अंदर 2 छेद हैं, 2 होल्स हैं, तो एक बार ज़रा ट्राई कर ही लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए इसको भी, मज़े तो ले ले हम भी। दूसरा पैकेट था, इसमें सेकंड अलग खिलौना निकला है और ये जो है 5 रुपये का आता है एक पैकेट, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है, और उस हिसाब से ठीक है। तो
तो इसके अंदर इसको डालते हैं और दूसरी साइड से निकालते हैं, और यहाँ पर हम जो है एक गांठ लगा देंगे ताकि ये बंद हो जाए, और इस साइड से मैं इसको पकड़ के घुमाऊंगा। मैंने बचपन में ये खूब बनाई हुई है, ये देखो क्या मस्त यहाँ पर फिरकी चल रही है, ये घूम रहा कंटिन्यूसली काफी तेज, देखो। अरे वाह गाइस, यार बचपन की याद आ गई इसको देख के। बस इसको हम कैसे खींचते रहना पड़ता है, और इसके अंदर जो धागा है ना वो पूरा मुड़ जाता है, और जब हम इसको खींचते हैं तो उल्टा घूमता है, दूसरी साइड में मुड़ जाता है। देखो जब तक हम इसको घुमाते रहेंगे, क्या मज़ेदार चीज़ है भाई। यार सच्ची में इसको देख करके बचपन की यादें आ गई। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था। तो गाइज हमने पूरे जो 300 पैकेट्स थे वो खोल लिए हैं, और यहाँ पर है वो सारी चीजें जो कि इनके अंदर से निकली हैं। ये है भाई खिलौने, यहाँ पर इसके अंदर जो खिलौने और नोट्स हैं, देखो इस तरीके के नोट्स भी निकले हैं यहाँ पर, ये है। और यहाँ पर जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टॉयज हैं, हम आपको दिखाएंगे कि क्या टॉयज निकले हैं। ये है भाई बहुत सारे स्टिकर्स यार बहुत ज्यादा निकल गए, देखो कितने सारे स्टिकर्स हैं। और ये है टॉफीज, तो अब बारी है ये काउंट करने की कि आखिरकार कितने खिलौने निकले हैं, कौन कौन से निकले हैं, कितनी कार्स है, कितने विसल्स है, कितने लट्टू हैं, और भी कई नई नई चीज़ें आपको बताते हैं। इनकी काउंटिंग करते हैं और इनकी काउंटिंग करते हैं। चलो भाई लग जाओ, सबसे पहले टॉफीज़ के साथ में स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर तीन चार अलग अलग फ्लेवर की टॉफीज़ आई हैं देखो, और हर एक के अंदर ऑलमोस्ट एक है, मुझे तो लगता नहीं कोई भी पैकेट होगा जिसमें एक या एक से कम या ज़्यादा होगी, टॉफ़ी तो उतनी आई है सब में। तो गाइज यहाँ पर जो है 314 यानी कि 314 पैकेट्स में 314 टॉफीज आई है, यानी कि 14 जो टॉफीज हैं वो इसमें अलग आई है, यानी कि कोई कोई पैकेट में दो दो थी, तो यहाँ पर टोटल 314 आई है। अब बारी है स्टिकर गिनने की, इनको कर देते हैं साइड में। चलो भाई ये यार ज़्यादा हैं, इसमें देखो कितने सारे, बार पास से दिखाओ, इसमें देखो बहुत सारे अलग अलग, टॉम एंड जेरी का है इसके अंदर, जो मोटू पतलू के ज़्यादा ही है, निंजा हथौड़ी का है इसके अंदर, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर कार्टून हैं देखो। तो गाइज यहाँ पर जो ये स्टिकर्स हैं ये निकले हैं 1486 यानी कि 1486, यानी कि हर एक के अंदर हमारे पास में टोटल 300 पैकेट्स थे, तो पांच ऑन एन एवरेज पांच से थोड़ा सा कम स्टिकर्स हैं, लगभग पौने पांच के आसपास, ठीक है पौने पांच या पांच ही लगा लो आप, यानी कि हर पैकेट में लगभग पांच है, तो टोटल लगभग 1486 मतलब टोटल 1486 हो गए एग्जैक्टली। और अब बारी है मेन मुद्दे पर, इनको तो हटाते हैं, अब बारी है खिलौने गिनने की कि ये जो टॉयज हैं ये कितने हैं। तो गाइज फाइनली हमने टॉयज को काउंट कर लिया है, और यहां पर हैं देखो कितने सारे टॉयज जो कि निकले हैं 300 भूत का बच्चा के अंदर, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, आपको बता दें यहां पर क्या चीजें दोस्तों। ये है विसल, इस लाइन में अलग अलग कलर की विसल्स हैं, और ये हैं भाई 22, इसके अंदर 22 विसल्स हैं। अगर मैं आपको बजा के दिखाऊं तो देखना, इस तरीके से जो है बजती हैं, मुझे बजाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब अगला वाला देखते हैं, इस तरीके के गुलेल इसमें निकले जो कि है संख्या में 7, इसके अंदर 7 जो है गुलेल मिले हैं हमको। 11 इसके अंदर इस तरीके की कार्स मिली हैं जो कि भाई देखो कितनी क्यूट सी लगती है, छोटी छोटी टॉय कार्स है 11। इसके अलावा बात करें तो 4 इसके अंदर इस तरीके की बाइक्स निकली हैं, देखो ये वैसे खड़ी भी हो जाती है अगर हम इनको जो है ऐसे खड़ा करना चाहें, 4 अलग अलग ये कलर्स की हैं। ये जो है आप देख सकते हो इस तरीके का पजल गेम है जिसके अंदर 3 छोटी छोटी बॉल्स हैं, और इनको हमको यहाँ पर बीच में टायर में फिट करना होता है। 4 इस तरीके की बंदूक है, और 6 इस तरीके की बंदूक है स्प्रिंग लोडेड, ये भी स्प्रिंग लोडेड है, इसमें स्प्रिंग जो अंदर है, तो टोटल ये हो गई 10। ये इस तरीके का अलग तरीके का टॉय है भाई देखो, और ये है हमारे पास में 17 ऐसे टॉयज है। मैं आपको एक बार इसको देखो चलाकर भी दिखा देता हूँ, मैंने ये 2 उठाए, यहाँ पर एक बटन इसको दबाना होता है, और ये जो है ऐसे ऊपर ऐसे चलता ना, ये ऐसे ही ऊपर भग जाता है, इसकी बॉल कहाँ गई, ये भी चला के दिखा देता हूँ। देखो मतलब हम इसको जितना ज़ोर से दबाते हैं ये उतना ही ज़ोर से भग जाता है, एक बार फिर से चला के दिखाता हूँ, देखो जितना ज़ोर से दबाएंगे ना वो ऊपर भग जाता है। इसके अलावा गाइज अब बात आती है कार्स की, देखो कितनी सारी यहाँ पर कार्स हैं यहाँ पर 41 इस तरीके की कार मिली है जो कि नॉर्मल ऐसे चल सकती है, ज़्यादा कुछ इसमें
खास है, वैसे है नहीं, लेकिन यार इतनी सारी हैं, काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर लट्टू शुरू होते हैं और आप लोग देखना कि कितने सारे लट्टू हैं। ये जो लाइन है चलती जाएगी और यहाँ पर 82 इस तरीके के ये लट्टू हैं। और अब बात करते हैं फिरकी की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। इस तरीके की फिरकियाँ हैं, अलग अलग कलर की, जिनकी रस्सियाँ भी हैं और ये भी यार बहुत सारी हैं। देखो यहाँ पर जो फिरकी हैं वो भी 82 निकली है 300 पैकेट्स के अंदर। लास्ट लेकिन काफ़ी मज़ेदार चीज़ बची है, बैडमिंटन के रैकेट। देखो इसमें एक बॉल भी है, रैकेट भी, और ये है 14 यहाँ पर रैकेट्स हैं जिनसे हम जो है कुछ इस तरीके से खेल सकते हैं, मतलब बच्चे खेल सकते हैं। तो गाइज ये हैं सारे टॉयज जो कि निकले हैं पूरे के पूरे 300 भूत का बच्चा पैकेट के अंदर। तो भाई अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ एक चीज़ और है गाइज, हम लोग जो हैं इन सारे टॉयज़ को बच्चों में ही बांट देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे इतने सारे खिलौनों का, तो अब जो है बच्चों को दे देंगे। मेरे को सबसे मज़ेदार इसमें ये लगा, क्या किया, फोड़ दिया बलून, बलून से चलने वाली कार थी ये जो है ना, ये विसल मुझे सबसे बढ़िया लगा।